आपका। नमस्कार। फिल्म के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है, और जिस तरह से हमने ट्रेलर देखा कि बीमारी को लेकर जो है बहुत सारी बातें की जा रही है, थोड़ा सा अगर हिंट देना चाहें हमारी ऑडियंस को। शुरुआत कीजिए। एक्चुअली ये फिल्म बेस्ड है HLA-B27 पॉजिटिव। ये जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, तो इसमें जो है हमारे सर्वाइकल से लेके तो लंबर रीजन तक जो है इसमें ल्यूब्रिकेंट जो है वो ड्राई हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड धीरे 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 टूटती जाती है। तो इसमें एलोपैथिक में इसका कोई उपाय नहीं है, और हमने इसके ऊपर उपाय जो देखा है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा में देखा है। जैसे कि हमारे जो डायरेक्टर है उनको ये एंकलाइजिंग स्पॉन्डलाइटिस हुआ था और 18 मंथ्स वो बेड पे थे, तो उनको हम लोग केरला में लेके गए और वहाँ पे उनको रिजल्ट मिला है, और कह सकते हैं कि आयुर्वेदा जो है वो गॉड फादर है। आयुर्वेदा पे मैं टेक ओवर करता हूँ यहाँ से। क्या है कि आपने एक चीज़ नोट की होगी हिंदुस्तान में कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डाल दिया जाता है कि बेटा वो बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, वो तुमसे बेटर है, तुम हिंदी बोलते हो, तुम भीड़ में चलने लायक नहीं हो, अंग्रेजी बोलोगे तो जल्दी आगे बढ़ोगे। ये कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर बचपन से डाला जाता है। एग्जैक्टली यही चीज़ दवाइयों को लेकर हमारे अंदर डाली गई कि एलोपैथिक आयुर्वेदिक से बेटर है। जबकि आपको एक बात बताता हूँ कि दुनिया हिंदुस्तान से सिर्फ इसलिए नहीं चिढ़ती थी कि ये सोने की चिड़िया था, इसलिए चिढ़ती थी क्योंकि ये आयुर्वेदा का आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोने की चिड़िया थी। जो फिल्म बनाई है थोड़ा सा बताइए कि क्या थॉट प्रोसेस था उसको फिल्म के पर्दे पर उतारने का, और कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल फिल्म का? ये एक्चुअली क्या है, जब बीमारी हुई थी मुझे तो उस दौरान मुझे सब कुछ मैं खत्म ही था और लाइफ को क्विट करना चाहता था, लेकिन मेरे के लिए बोलो एक मुझे जगह जहाँ मिला एड्रेस केरला में, और उन्होंने बोला कि इसके तो इलाज है नहीं लेकिन हम कर देंगे। और उसके बाद जब मैं प्रोसेस पे चला गया और राइटर हूँ डायरेक्टर हूँ तो जिम्मेदारी अंदर से एक इमोशनल आदमी भी हूँ, एक जिम्मेदारी बना एक समाज के लिए एक सोसाइटी के लिए कि कुछ करूँ उनके लिए। काफ़ी लाखों पेशेंट्स है नॉट ओनली इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उनको मालूम नहीं वो पेन किलर्स और स्टीरॉइड्स के डोजेस लेते हैं और पेनफुल है डेथ इनका, सोचे इसमें कुछ करूँ, शायद कुछ डॉक्यूमेंट्री कर दूँ, कुछ शॉर्ट फिल्म को बनाऊँ। लेकिन क्या है कि आजकल है ना कोई कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्री या इस तरह करूँ तो लोग थोड़ा सा पब्लिक है ना तो डोंट ट्राई टू टीच मी, वो वाली बातें आती है। सोचा कुछ एंटरटेनमेंट फील कर लूँ कि कुछ गाने डालूँ, कुछ इमोशनल है तो इसको प्रॉपर वैसे फिर एक फिल्म की जो परिकल्पना है वो किया कि मैसेज कन्वे हो जाए कि ये सिर्फ बीमारी नहीं दूसरे भी बीमारियों का इलाज है, और आयुर्वेदा में इसका बहुत बड़ी मतलब तादाद है ना आयुर्वेदा में है, और इसको हम ढूंढ नहीं पाते ढंग से। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आयुर्वेदा में काफ़ी कुछ है जो कि जैसा कि हर जगह में है हर फील्ड में है, अब मेकिंग मनी के चक्कर में लोग एक दूसरे को चीट करते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक्चुअल जो मतलब एलोपैथी अपनी जगह पे करेक्ट है, लेकिन एक्चुअल जो आयुर्वेदा है वो अपने जगह पे चुपचाप शांत बैठा हुआ है और वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, वो सिर्फ कर्म पे यकीन रखते हैं और वो करते करते रहते हैं, जिसका भुक्त हो कि मैं खुद हूँ। और इसके ऊपर ही मैंने सोचा फिर अपने दोस्त प्रणाली मंडी जो प्रोड्यूसर है तो जैसा गिरीश है अपना दोस्त, इन लोगों से मैंने डिस्कस की कि मैं क्या करूँ, तो बोला एक फिल्म बनाते, तो ये तो एक मिनट नहीं लगा तो सनसन मैं इसको प्रोड्यूस करती हूँ। इन्होंने जब सुना गिरीश ने बोला भाई मैं करता हूँ प्ले करता हूँ रोल, बाकी इस तरह जुड़ते गया और कारवा बनता गया। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर एक आदमी के पाँव पे बड़ा पत्थर गिर गया है और वो चिल्ला रहा है तो उसको चुप कराने के दो तरीके हैं, एक आप उसके पैर से वो पत्थर हटा दीजिए, दूसरा उसका मुंह बंद कर दीजिए। एलोपैथी जो है वो मुंह बंद कर देती है, लेकिन आयुर्वेदा जो है वो पत्थर हटा के उस पर मलम लगा के उसको ठीक करता है।
इस एग्जांपल से शायद मैं अपनी बात समझा पाया हूँ, इससे आसान तरीका मुझे और समझ में नहीं आया। नहीं देखो एलोपैथ हर मीडियम एंड अपने जगह पे करेक्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जो भी चल रहा है। अभी हमारा अर्जेंटली हमें कुछ होता है तो हम बच्चे को लेकर चला जाते हैं अपने नियर जो केमिस्ट है अपना फैमिली फिजिशियन उनको बच्चे रहते हैं, उनको बुखार आया फीवर आया। जैसे कल मेरे छोटे बच्चों को हुआ था कान में पेन, तो मैं इमिडिएटली चला गया। लेकिन क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है, वो चीज़ें हमारे गैप हो चुका है जो हम लोग पहले थे। वो चीज़ें अभी उस तरह से जैसे कि पहले हमारे कुछ भी होता तो आयुर्वेद वो वैद्य आते थे घर पे या हम जाते थे वैद्य के पास, अब नहीं है, अवेलेबल नहीं है। और जो है वो कितना सही है कितना गलत है मुझे मालूम नहीं। मुझे इतना मालूम है कि इमिडिएटली हमारे हम इमोशन में बह रहे थे कि कुछ भी हुआ फैमिली फ्रेंड्स को हम भागते उनके पास, तो वो अपने जगह करेक्ट है, वो भी हमको दवा देते हैं, वो ठीक करते हैं, इमिडिएटली ठीक कर देते हम हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आज भी डिजीज है जिसका इनके पास है नहीं कोच, इनके पास इलाज नहीं है। और अगर इलाज है इनके पास अगर नहीं है तो वो भी, जैसे कि मैं उधर में पेशेंट से मिला था जो सूरत बेस्ड डॉक्टर है, वो एनेस्थीसिया का वो है डॉक्टर उधर सूरत बेस्ड, अच्छे जगह पर पोस्ट पे है, सर्जन भी है, तो वो खुद इस बीमारी का इसमें था, वो खुद ही आए हुए थे, खुद ठीक हो गए थे। एक्चुअली हम सब हर चीज इंस्टेंट चाहते हैं, केरला जब हम शूट के लिए गए तो मेरी लगभग 20 साल पुरानी बैक की कोई प्रॉब्लम थी जो 99.9% खत्म हो चुकी है, टच वुड वो समस्या मेरी जो थी मेरी लोअर बैक में। इन्होंने जहाँ से इलाज कराया उस तेल को उनकी दी हुई दवाइयों को औषधियों को लेके वो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो 99.9% खत्म हो गई है। तो ये तो मेरे पे एक्सपेरिमेंट हो गया तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि तो हम कितनी फिल्म्स करते हैं कितने एड्स करते हैं वो चीज़ें हम पे उनका तजुर्बा नहीं होता, लेकिन इसके लिए इतना कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया। मैम आपसे जानना चाहूँगा, सर ने जब आपके पास आपको बताया कि इस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं, क्या रिएक्शन था आपका और कितनी रिसर्च करनी पड़ी डायरेक्टर साहब ने तो खुद मतलब ये एक्सपीरियंस किया है, साथ ही आपने कितनी रिसर्च की इस चीज़ को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रही बात जहाँ आयुर्वेदा की है तो मैं आयुर्वेदा से बहुत ही प्यार करती हूँ। दूसरी चीज़, मानस जी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और मैंने उनको अच्छे टाइम में भी देखा है, और जब उनको एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLF B27 जब हुआ था तब मैंने उनको देखा है। तो जब उनकी बहुत अच्छी कंडीशन थी और जब उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी, तो ये 18 महीने बेड पे थे। तो इन्होंने जब मुझे बताया कि मैं ये दौर से गुजरा और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में मैं था, बट मैं अभी ठीक इसीलिए हूँ क्योंकि मैं केरला जाके ट्रीटमेंट करके आया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने केरला जाके जो ट्रीटमेंट किया वो एग्जैक्टली क्या था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मैं आयुर्वेदिक थेरेपी से मैंने ट्रीटमेंट किया जिसका इलाज दुनिया में कहीं पे नहीं है, इवन एलोपैथिक में भी नहीं है। नहीं, ये तो आप गूगल में आप टाइप करेंगे, आप यूट्यूब देखेंगे ना, एम्बुलेंस मैं चले भी टू डिजन पॉजिटिव था पेशेंट का और मैं बीकानेर में किया था, मेरे सारे जॉइंट्स सब ब्लॉक हो चुके थे सारे, मैं 35 kg का मेरा वेट हो गया था और हेवी पेन था ब्रेन से लेकर के पैर के नाखून तक, और यहाँ मेरा इतना दुख था किसी ने हाथ लेके आया तो पेन मल्टीप्लाई हो जाता था, और मैं इधर बेड रिडन था, मुझे दो आदमी हमेशा लगता था उठा के मुझे नीचे ले, और बैठने लायक तो था नहीं। ये जो कहानी है दीदा वो मेरे साथ एक चमत्कार हुआ जब फैमिली में इनके बाद एक डिजास्टर चालू था मेरे साथ, तो उस टाइम ऊपर वाले को बोला कि यार मरना तो मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहता हूँ इंसान का लाइफ को, लेकिन माफ़ कर देना अगले जन्म देना, तो ऐसी बीमारी मत लेना और मेरा सपना साकार करना, जो डायरेक्टर बनना चाहता हूँ राइटर बनना चाहता हूँ, सक्सेसफुल फिल्में देना चाहता हूँ। तो वहाँ से एक कहानी जुड़ी मेरे साथ में, एक फ़ोन आया जिसको मैं जानता नहीं, एक गूगल है उसके, गूगल आज हमारे पास जो है ये हाथ में बंद कर लो मुट्ठी में, जो दुनिया है हमारे वाकई में बहुत फ़ायदे की चीज़ है, साइड इफेक्ट भी इसका है उल्टा, लेकिन हम पॉजिटिवली बात करें पॉजिटिव वे से जो हम फर्क करते हैं, तो जिनको जानता नहीं पहचानता नहीं है उनके जरिए मुझे जगह का नंबर मिला। अब मतलब हाईलाइट ये है कि वो लोग वो कुछ देखते नहीं है, मतलब कि आपका पेपर है क्या डिजीज़ है,
वो सिर्फ टच करते हैं पीठ पर, वो टच करके वो उनका हाथ में स्कैनिंग है एक्सरे मशीन जो एमआरआई करके करके मैंने इतना परेशान था, पेन क्यों हो रहा है, एक्सरे एमआरआई करके मैं सब नॉर्मल है, कोई बोला साइटिका का प्रॉब्लम है, कोई बोला कुछ हो रहा है, लेकिन उन लोगों ने टच करके बता दिया क्या प्रॉब्लम है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, एक्टर हमेशा अपना रोल देखता है फिल्म में, और एक डायरेक्टर जब एक कहानी को लिखता है तो उसकी एक जर्नी होती है। जब एक एक्टर डायरेक्टर फिल्म के साथ चार पाँच साल गुजारता है तो वो उसी में रंग जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि ये सारा पेन मानस को देख कर आए थे, जिंदगी जी कर आए थे, तो डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इसलिए संतुष्ट था, और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कृणाली की आंखों में एक विश्वास देखा था। ये विश्वास इनका इन पर था या कहानी पर था या उन हालात पर था, किस पर था मुझे नहीं मालूम, बट एक चमक होती है, एक विश्वास होता है कि नहीं गिरीश जी, जब मैं ये फिल्म बनाऊंगी, मैं इसको लेकर जाऊंगी सही तरीके से, पूरी फिल्म बनाऊंगी, कंप्लीट करूंगी, और जितना मैंने सोचा था इन्होंने कम से कम 12 लेवल्स उसको ऊपर बनाया है। हमने जो सोच के बनाया था शॉर्ट फिल्म वो बन गई प्रॉपर फीचर फिल्म, किसी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है किसी तरीके। आप स्क्रीन पे अगर देखेंगे उसमें गाने हैं, उसमें इमोशंस हैं, एक्शन भी है छोटा सा, तो इंग्रेडिएंट सारे कमर्शियल वाले आ गए, लेकिन मैसेज इतना प्यारा इस फिल्म के ज़रिए जो है ऑडियंस को दिया जा रहा है, जो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को टच करेगा डेफिनेटली। ये मैसेज एक्चुअली देश दुनिया में हमारा मकसद है कि ये पहुँचे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एचएलबी 27 क्या है, और जो इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं उन तक हमारा ये मैसेज है वो लोग देखें, क्योंकि आज के दौर में एक सिनेमा ही ऐसी चीज़ है जहाँ आप लोगों तक पहुँच सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअली आप किसी को जाके बता नहीं सकते, तो ये हमारा एक माध्यम रहा है कि हम लोगों को बता सके और लोगों को रिजल्ट कहाँ मिलते हैं ये पता चले, और आयुर्वेदा पे विश्वास रखें कि आयुर्वेदा में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक होती हैं, जो कंपैरेटिवली एलोपैथिक में नहीं होती हैं। हम लोग एलोपैथिक का अपोज नहीं कर रहे हैं, बट हम कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आयुर्वेदा में भी वो शक्ति है, वो ताकत है, क्योंकि उसका उदाहरण हमारे सामने बैठे हैं कि उस इंसान को मैंने 18 मंथ्स बेड पे देखा है, वो चलने फिरने के लायक तक नहीं थे, वो केरला में ठीक हुए हैं। तो इस चीज़ को, ये मैसेज को, इस चीज़ को मुझे देश दुनिया में पहुंचाना था, इसीलिए मैंने इस फिल्म को बनाने का माध्यम सोचा, और मानस जी ने मुझे जब बताया तो हमने सोचा कि इस चीज़ को फिल्म बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। और एक बात इम्पोर्टेंटली कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री ने जितने सपोर्ट किया मुझे सब, इवन थैंकफुल टू संजय कपूर ऑल्सो, किसी ने मुझे इवन कैमरा, आप लोग भी जो कर रहे हैं ना, आप लोग भी उसके साथ में जुड़े, ये मिशन है हमारा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश है हमारी तरफ से, कुछ भी प्रॉब्लम है हर किसी को घर में खुशी आ जाए, चेहरे पे स्माइल आ जाए, तो वो अगर नहीं हो रहा है, सर्जरी तो हो जाएगा ना अल्टीमेट में, एक बार तो ट्राई करके देख लो यार, है जब हाथ में उस जगह के बारे में। मैंने उधर वो लोग गूगल में नहीं मिलेंगे सर, गूगल में नहीं मिलेंगे, बड़ी लो प्रोफाइल लोग हैं। वैसे केरला में बहुत आयुर्वेद सेंटर थे, लेकिन यहाँ पर जो लोग आते हैं वो देख ठीक होके चले जाते, तो कुछ भी डिजीज़ हो, एक बार इस जगह का एड्रेस मैंने दे दिया फिल्म के माध्यम से। आप सबको अनुरोध है, आप मीडिया वाले प्रेस से, आप लोग ये आप लोगों की जिम्मेदारी हमारे साथ जैसे जिम्मेदारी उठाए, आप लोग इस मिशन में शरीक हो जाइए, और हर घर में जहाँ प्रॉब्लम है, आपके घर में भी हो सकता है, एक घर में हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सुकून लीजिए और वहाँ चाहिए ठीक होकर आ जाइए, मस्त रहिए। एनी काइंड ऑफ आर्थराइटिस, एनी काइंड ऑफ डिसीज आप वहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, आप वहाँ पे ठीक हो सकते हैं। हम कोई भी किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे देश में जितने भी लोग कोई भी ऑर्थोपेडिक से बोलो, ऑर्थो से बोलो, या कोई भी रिलेटेड जो चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनको एक सही दिशा मिले और उनको रिजल्ट मिले, बस ये हमारा किसी के बारे में आ जाते हैं कि आप किसी को क्यों बोल रहे हैं, तो आपको फंड किया होगा, पैसे दिए होंगे, इसलिए उनको करना, वो लोग है नहीं, वो नहीं जाते किधर भी नहीं जाते, उनको काफ़ी कोशिश किया खोल लीजिए, बोला नहीं, आप लोग इधर आके ठीक कर लीजिए। कम से कम 120 पेशेंट्स को मैंने भेज चुका हूँ, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज का, पार्किंसन का जो डिजीज ठीक नहीं होता है बोलते, उधर भेजा वो ठीक करके भेज दिए, और क्या होगा। ये तो उदाहरण है ही है। फिर हमारे गिरीश जी भी, जब हम शूट के लगे थे तो इनको उसके पहले काफ़ी ज़्यादा पेन था, बट जितने दिन हमने वहाँ पे शूट किया, इन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, देन फिर वो ऑयल भी लेके आए साथ में, देन नाउ हिज यू नो हिज फिट ना, और वो चीज़ें उसकी निकल गई है, तो मतलब ये रिजल्ट है।
आपके सामने जीता जागता उदाहरण हम दोनों मैं दोनों थैंक यू सो मच। आप और कोई सवाल है अगर तो आप पूछ सकते।